गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम छठी क्लास का प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नावली के सवाल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं से पहले हमें प्राकृत संख्याओं का जानना जरूरी। जैसे प्राकृत संख्याएं, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है बच्चों? एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से चलते जाए। तो इन संख्याओं को कैसी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाती है? एक। अब पूर्ण संख्याएं आती है, उसके बाद क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। जब हम इस प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो भी शामिल कर देते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार और आगे सभी प्राकृत संख्याएं, तो जीरो भी इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? जीरो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। तो इस तरह के क्वेश्चन है इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है 2.1 का, पहला ही क्वेश्चन है 10,999 के बाद, 10,999 के पश्चात आने वाली तीन संख्याएं देखो। इसके बाद जैसे पहला 10,999, इसके अगली क्या संख्या, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? इसमें एक जोड़ देंगे, नौ एक दस, एक नौ एक दस, एक नौ एक दस, अरे भाई एक, तो कितना आ जाएगा? 11,000। ये एक तो उत्तर हो गया 11,000। फिर से अगली एक और पूछा है तो 1,001,001, 11,001। फिर उससे अगली एक और पूछा तो इसमें एक और जोड़ देंगे, 2,001, 11,002। तो 10,999 के बाद क्या आता है बच्चों? 11,000। फिर उसके बाद क्या आता है? 11,001। फिर उसके बाद क्या आता है? 11,000। तो इस तरह से 10,999 के बाद आने वाली तीन संख्याएं हमें ले सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है 10,001 से पहले, 10,001 से पहले आने वाली, इससे पहले आने वाली तीन संख्याएं लिखो। तो 10,001 से पहले, 10,001 से जो पहले संख्या आएगी वह इसमें से एक घटा देंगे, 0,0,0,0,1, कितना आ गया बच्चों? 10,000। तो एक संख्या दिया होगी, अगर इससे पहले कौन सी आएगी उसमें से फिर एक घटा दिया, यहां नहीं जा सकता, 10 में से एक गया 9, यहां कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9,999। तो 10,000 से पहले क्या आएगी? 9,999। उससे पहले निकालने तो इसमें से एक घटा देंगे, 9,9,9। तो ये 10,001 से ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होगी? 10,000, 9,999 और 9,998। फिर अगला क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी मैंने बताया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? जीरो। फिर उसके बाद आता है 32 तथा 53 के बीच संख्याएं क्या, पूर्ण संख्याएं क्या? तो 32 और 53, तो 53 में से 32 घटा दिया, कितना बच गया? एक। और भाई यहां बच गया 21, कितना बच गया? 21। तो 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो यहां 32 के बाद वाली संख्याएं ली और 53 से पहले वाली संख्याएं ली है, तो इस 53 और 32 के बीच में गैप 21 का है, लेकिन 53 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो 32 तथा 53 के बीच पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी? कितनी पूर्ण संख्या होंगी? इस 21 में से 53 को हटा दिया, 20 पूर्ण संख्याएं होती है। कितनी होती है? 20। 32 तथा 53 के बीच पूर्ण संख्याएं कितनी होती है? 20। तो इसमें 20 आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, उससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जैसे ये है 24,40,701, 24,40,701, इसकी परवर्ती, इसका परवर्ती लिखना, परवर्ती का मतलब इसके बाद में क्या आता है, परवर्ती इसका क्या लिखना है बच्चों? परवर्ती, देखता हूं देखा परवर्ती या पूर्ववर्ती, हाँ परवर्ती लिखना है, इसमें क्या लिखना है? परवर्ती। तो 24,40,701 से के बाद कौन सी संख्या आएगी? इसमें एक जोड़ देंगे, 2,0,7,40, और ये कितना हो जाएगा? 24। तो 24,40,702 आ जाएगा। तो इसका परवर्ती इस तरह से आ जाएगा। अगला है 1,99,000, 1,99,000 का परवर्ती, 199 का परवर्ती बताओ। तो परवर्ती का मतलब क्या होता है? उसमें एक जोड़ दो, उसका परवर्ती आ, इसके बाद वाली संख्या आ जाएगी, 9,10, 1,10 और 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1,200, 1,200। तो इसका 1,199 का परवर्ती क्या होगा? 1,200। अब इसके बाद है 10,99,999, 10,99,999 का परवर्ती बताओ। तो इसमें भी एक जोड़ दिया, एक जोड़े 9 और 1 10, एक आसर का वो भी 10, एक आसर का ये भी 10, फिर एक आसर का ये भी 10, एक आसर का ये भी 10, कितना आ जाएगा? 11,000।
कितना हो जाएगा 11 लाख। तो 10,99,999 परवर्ती कितना आ जाएगा 11 लाख। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 23,45,670 का परवर्ती ज्ञात करो। तो इसमें भी एक जोड़ दिया, इसका परवर्ती आ जाएगा 6,45 योगा 23 योगा, तो 23,45,671 इसका क्या हो जाएगा परवर्ती। तो परवर्ती निकालना उसमें एक जोड़ दो, उसके बाद वाली संख्या आ जाती है, और पूर्ववर्ती निकालना उसमें से एक घटा दो उससे पहले वाली संख्या, उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो छह है, क्वेश्चन नंबर छह है, उसमें पूछा है 94 का पूर्ववर्ती, 94 का क्या निकालना है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती जब निकालते हैं तो उससे एक घटा देते हैं, तो इसका पूर्ववर्ती कितना आ गया बच्चों 93। अब अगला है 10,000 का पूर्ववर्ती, 10,000 का पूर्ववर्ती, तो इसमें से एक घटा दो, 10 में से एक गया 9, यहां 9 थे, यहां 9 थे, यहां कितना है 9,999। उससे अगला है 2,08,099, 2,08,099 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले, तो इसमें से एक घटा दिया, कितना आ गया 9 में से गया 8,90,082 युवा 2,08,098 आ गया। तो इसके बाद है 76,54,321 का पूर्ववर्ती, तो इसमें से एक माइनस कर दिया 0,02,54,76 युवा, तो कितना आ जाएगा 76,54,320। तो इस तरह से हम पूर्ववर्ती निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या है बच्चों, 7 क्वेश्चन नंबर 7 में किस तरह क्वेश्चन है, उसमें आपने क्लिक और ब्लैंक्स दोनों के बीच में ये निशान लगाना है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। जैसे पहला एक क्वेश्चन है 530 और 503 इस तरह से है 503। तो इसमें जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ तो खुला रखते निशानों को, जैसे ये 530 बड़ा 503 से, तो इस तरफ तो खुला रखेंगे और जिस तरफ छोटा उस तरफ इसकी चोंच कर देंगे, इसको ऐसे बोलते हैं 530 बड़ा है 503 से। तो पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट जो उसका क्वेश्चन नंबर है 6 का, दूसरा पार्ट है 370 और 307 के बीच में यही निशान भरने में कौन सा आएगा, 370 बड़ा होता है तो बड़े की तरफ खुला कर दो, इस तरह इसकी चोंच कर दो, इस तरह का निशान आ जाएगा 370 बड़ा 307 से। उसके बाद है क्वेश्चन है 98,765 और फिर इस तरह से है 98,765 56,789 हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, 98,000 ज्यादा होते हैं 56,000 से, तो इसमें भी ये साइन आ जाएगा। उसके बाद है 98,30,415 और फिर इस तरह का निशान, और फिर आगे लिखा हुआ है 1,23,001। तो इसमें कौन सा साइन आएगा ये बोल लगाना है। तो ये देखो ये तो 98 लाख है, ये 1 करोड़ है, तो इससे ज्यादा होगा तो इस तरफ इसका खुला रख देंगे, इस तरफ इसकी चोंच कर देंगे। तो इस तरह के निशान क्वेश्चन नंबर आपने 7 में बने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या है बच्चों, सत्य और असत्य वर्ग बनाना, सत्य और असत्य बताना उसको, उसको मैं वैसे ही बता रहा हूं सत्य और असत्य किस तरह से बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में तो सबसे छोटी 1 आई थी, तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो 399 का पूर्ववर्ती तो बच्चों क्या होता है 398, 399 का परवर्ती होता 400, तो ये भी क्या है गलत है असत्य है। अगला है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ ये सत्य है, शून्य सबसे छोटी क्या है पूर्ण संख्या। उससे अगला क्वेश्चन है 600 संख्या 599 का परवर्ती है, हाँ 599 के बाद आती है 600 अगली ही संख्या होती है, तो ये क्या है सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है वे सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर शामिल होती है, ये भी क्या है सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये असत्य है,
क्योंकि जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, ये भी अशक्त है। जैसे दो अंकों की संख्या 10 है उसका पूर्ववर्ती 9 हो सकता है एक अंक की, तो ये क्या है, अशक्त है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये क्या है, अशक्त है। जीरो है बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसलिए ये अशक्त दे रखा है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्या सबसे छोटी एक ही होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। इसके बाद पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है। इसके बाद कहता है पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, 13 11 और 12 के बीच में नहीं आती, ये तो 11 और 12 के बाद में आती है, तो ये भी क्या है, असत्य है। पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये सत्य है। दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होता है, तो दो अंकों की संख्या तो जैसे 99 है उसका पूर्ववर्ती 100 होगा बेटे, तो तीन अंकों की संख्या होगी, तो ये क्या है, असत्य है। इस तरह से प्रश्न आवली 3.1 के क्वेश्चन है, 2.1 के क्वेश्चन है, इन्हें करो बच्चों देख करके।